2023 दुनिया के लिए विनाशक साल साबित हो सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध के विश्व युद्ध में बदलने का खतरा बढ़ता जा रहा है और इसके पीछे वजह है ज़ेलेंस्की का ऑपरेशन क्रीमिया विजय। यूक्रेन ने क्रीमिया को आज़ाद कराने का टारगेट तय किया है और पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि क्रीमिया रूस का अभिन्न अंग है। नेटो की मदद से यूक्रेन जनवरी में क्रीमिया जीतने की प्लानिंग भी बना रहा है और इस प्लान के खिलाफ पुतिन ने ऐसी बारूदी बिसात बिछानी शुरू कर दी है जिससे विश्व युद्ध की चिंगारी फूट सकती है। क्या है पुतिन का विनाशक ऑपरेशन, देखिए हमारी इस अगली रिपोर्ट में। विनाशक जंग वाली जनवरी, वर्ल्ड वॉर थर्ड की फाइल खोली। ज़ेलेंस्की मांगे क्रीमिया रिटर्न, रूस का ऑपरेशन सदर। यूक्रेन के मोर्चे पर जितना बारूद 11 महीने में बरसा उससे कई गुना ज्यादा बारूद जनवरी के महीने में बरसने का पुख्ता इंटेलिजेंस यूक्रेन को मिला है। जनवरी में जंग का फाइनल चैप्टर शुरू होने वाला है। इस फाइनल चैप्टर में आशंका है वर्ल्ड वॉर छिड़ने की, क्योंकि रूस ने किसी भी कीमत पर निर्णायक प्रहार का मन बना लिया है और जंग में आगे बढ़ते यूक्रेन ने अपनी पूरी जमीन से रूस को खदेड़ने का प्लान बना लिया है। जनवरी में रूस यूक्रेन पर सबसे बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रमुख को रूस के प्लान की जानकारी मिली। यूक्रेनी इंटेलिजेंस के मुताबिक रूस 5 जनवरी से नया भर्ती अभियान शुरू करने वाला है। यूक्रेन पर बड़े हमले के लिए ताकत जुटाई जा रही है। इकतीस दिसंबर को आई तस्वीरों से रूस के बड़े ऑपरेशन की झलक भी मिलने लगी है। सड़क के दोनों ओर कई किलोमीटर खड़े ये सैन्य वाहन रूसी काफिले के हैं, जो दक्षिण में बैटलफील्ड की फ्रंट लाइन की तरफ भेजे जा रहे हैं। ये वीडियो मारियोपोल और मेलिटोपोल के बताए गए हैं। यूक्रेन के मुताबिक दक्षिणी यूक्रेन में अभी बाखमुत में सबसे बड़ी जंग लड़ी जा रही है। लुहांस्क, डोनेत्स्क पर रूस की सेना हावी है और बाखमुत में आमने सामने की जंग जारी है। इस इलाके में यूक्रेन के जीतने का मतलब होगा क्रीमिया की तरफ एक और मजबूत कदम। रूस इसीलिए दक्षिण की फ्रंट लाइन पर ज्यादा बड़ी सैन्य तैनाती कर रहा है ताकि यूक्रेन को बाखमुत में हावी होने से रोका जा सके। बाखमुत की आमने सामने की जंग में दोनों तरफ के सैनिकों को एकाई गोलियों से बचाने वाली है। इन्हीं ट्रेंच में छिपकर गोली चलाई भी जाती है और बचा भी जाता है। ये बैटलफील्ड की लाइफलाइन है। यूक्रेन के सैनिक ट्रेंच वॉरफेयर की ट्रेनिंग लेने ब्रिटेन पहुंचे। ब्रिटेन की सेना के स्किल्ड कमांडर यूक्रेन के 10,000 सैनिकों को ट्रेंच में रहकर युद्ध लड़ने के गुर सिखा रहे हैं ताकि ये बाखमुत जैसे बैटलफील्ड में रूसी सेना के सामने टिके रह सके। रूस और यूक्रेन दोनों ओर से बड़ी जंग की तैयारी हो रही है, लेकिन दो प्लान ऐसे हैं जिससे वर्ल्ड वॉर छेड़ने का अंदेशा बढ़ गया है। इसमें पहला विनाशक प्लान है रूस का। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि पश्चिमी देशों से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रोकनी होगी। रूस हथियार सप्लाई की चेन तोड़ने की तैयारी कर रहा है। इसका सीधा मतलब है पोलैंड, स्लोवाकिया,
रोमानिया और मोल्डोवा पर हमला हो सकता है। पश्चिमी हथियारों की सप्लाई का रूट स्लोवाकिया से होकर जाता है। रोमानिया से भी पश्चिमी देश यूक्रेन को वेपन सप्लाई करते हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया के रूसी ठिकानों से सटे मोल्डोवा में अमेरिका, ब्रिटेन और यूक्रेन के इंटेलिजेंस असिस्टेंट सेंटर चल रहे हैं। पश्चिमी हथियारों के जोर पर ही यूक्रेन जंग लड़ रहा है और वर्ल्ड वॉर की आशंका बढ़ाने वाला दूसरा प्लान तैयार कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने नए साल में क्रीमिया को आजाद कराने का टारगेट रखा है। क्रीमिया पर अगर यूक्रेन ने हमला किया तो रूस न्यूक्लियर वेपन चलाने से पीछे नहीं हटेगा और वहीं से विश्व युद्ध का बटन दब जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।